आनुवंशिकता और क्रमागत उन्नति, हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन। यह वीडियो में हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। आनुवंशिकता, विरासत के नियम, डार्विन के सिद्धांत, प्रजातिकरण और मानव क्रमागत उन्नति। आनुवंशिकता, ऊंचाई, रंग, नाक और ठोड़ी के आकार, आंखों और बालों के रंग आदि जैसे जीव की पहचान करने योग्य विशेषता को अक्षर या लक्षण कहा जाता है। माता पिता से उनके वंशज में पात्रों या लक्षणों का स्थानांतरण आनुवंशिकता को कहा जाता है। भिन्नता से आखिर हमारा मतलब क्या है? एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच, पात्रों या लक्षणों के बीच अंतर को भिन्नता कहा जाता है। हम सभी इंसान हैं, लेकिन फिर भी हमारे बीच कुछ भिन्नताएं हैं। आपका साथी आपके समान नहीं दिखता, हालांकि आप दोनों ही इंसान हैं। भिन्नताओं का कारण, जब जीव पुनरुत्पादन करते हैं तो बंद स्प्रिंग्स डीएनए प्रतिलिप में त्रुटियों के कारण मामूली विविधता दिखती है। कुछ भिन्नताएं उपयोगी होती हैं और वे जीवों को पर्यावरण में बदलावों को समायोजित करने में सहायता करती हैं, जबकि अन्य विविधताएं ऐसी नहीं होती हैं। ग्रेगोर जोहान मेंडल। मेंडल ने बगीचे में मटर पौधों के साथ प्रयोग किए और लक्षणों की विरासत के लिए नियम निर्धारित किए। ग्रेगोर मेंडल एक मठ में शिक्षित हुए और वियना विश्वविद्यालय में गणित और विज्ञान का अध्ययन करने के लिए गए। एक शिक्षण प्रमाण पत्र के लिए परीक्षाओं में विफलता ने वैज्ञानिक खोज के लिए उनके उत्साह को नहीं दबाया। वह अपने मठ पर वापस चले गए और मटर उगाना शुरू कर दिया। इससे उन्हें विरासत के नियमों तक पहुंचने में मदद मिली। अवशिष्ट और प्रमुख लक्षण। अवशिष्ट और प्रमुख लक्षण दोनों ही लक्षण हैं, और जैसा कि इनके नाम बताते हैं कि यदि एक चरित्र के लिए एक अवशिष्ट और प्रमुख लक्षण है तो प्रमुख लक्षण ही वंश में हावी होगा। विरासत के नियम। जब पौधों की एक जोड़ी होती है जिसमें एक लक्षण में भेद देखा जाता है, जैसे कि लंबा और छोटा पौधा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब पौधों के पात्रों के दो जोड़े होते हैं, जैसे आकार और बीज के रंग, तब यह डायहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। विरासत में पाए हुए लक्षण। एक जीव की विशेषता जो उसके डीएनए में परिवर्तन के कारण होती है उसे विरासत योग्य गुण कहा जाता है। ये वे विशेषताएं हैं जिन्हें हम अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पे आंखों का रंग, त्वचा रंग आदि। प्राप्त विशेषता। एक जीव की ऐसी विशेषता जो विरासत में नहीं मिली बल्कि पर्यावरण के जवाब में विकसित होती है उसे प्राप्त विशेषता कहा जाता है। प्राप्त विशेषताओं को भविष्य के पीढ़ियों तक पारित नहीं किया जा सकता। अनुरूप अंग। अंग जो समान कार्य करते हैं लेकिन उनकी संरचना में भेद होता है उन्हें अनुरूप अंग कहा जाता है। मुताबिक अंग। अंग जिनमें समान मौलिक संरचनाएं होती हैं लेकिन उनके कार्य भिन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पे पक्षियों के पंख और मनुष्यों के हाथ दोनों ही मुताबिक अंग हैं। चार्ल्स डार्विन की कहानी।
चार्ल्स डार्विन 22 वर्ष की उम्र में एक यात्रा पर निकल गए। 5 साल की यात्रा में उन्होंने दक्षिण अमेरिका और द्वीपों की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान किए गए अध्ययनों को हमेशा पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवन को देखने के तरीके को बदलना था। दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड वापस लौटने के बाद उन्होंने कभी भी इंग्लैंड के किनारे नहीं छोड़े। वह घर पर रहे और विभिन्न प्रयोगों का आयोजन किया, जिससे उन्हें अपनी परिकल्पना का निर्माण हुआ, जिससे प्राकृतिक चयन के कारण का विकास हुआ। डार्विन का सिद्धांत। किसी भी आबादी के भीतर प्राकृतिक भिन्नता है। कुछ लोगों के पास दूसरों की तुलना में अधिक अनुकूल भिन्नताएं हैं। भले ही सभी प्रजातियां बड़ी संख्या में संतान पैदा करती हैं, आबादी स्वाभाविक रूप से काफी स्थिर रहती है। यह एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच भोजन और साथी के लिए विभिन्न प्रजातियों के बीच संघर्ष के कारण है। प्रजातिकरण। क्रमागत उन्नति के दौरान नई और विशिष्ट प्रजातियों के जन्म और पुरानी प्रजातियों के अंत की प्रक्रिया को प्रजातिकरण कहा जाता है। प्रजातिकरण के कारण। प्रजातिकरण के 3 मुख्य कारण होते हैं, भौगोलिक अलगाव, आनुवांशिक बहाव और प्राकृतिक चयन के कारण व्यक्तियों में भिन्नताएं। भौगोलिक अलगाव। भौगोलिक अलगाव एक ऐसा शब्द है जो जानवरों, पौधों या अन्य जीवों की आबादी को संदर्भित करता है, जो सामान प्रजातियों के अन्य जीवों के साथ अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान करने से अलग होते हैं। इसका एक उदाहरण है मेक्सिकन स्पॉटेड उल्लू। आनुवंशिक बहाव। एक छोटी आबादी में विभिन्न जीनोटाइप की सापेक्ष आवृत्ति में भिन्नता, विशेष जीनों के मौके के गायब होने के कारण व्यक्ति मर जाता है या उसके जीन पुनः पेश नहीं होते। क्रमागत उन्नति। विकास क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जो कि लाखों वर्षों से आदिम जीवों में होता है, जिसमें नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। एक प्रजाति के समान सामान्य गुण हैं जितना अधिक निकटता से संबंधित होंगे। मानव क्रमागत उन्नति। खुदाई, कार्बन डेटिंग, जीवाश्मों का अध्ययन करने और डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित करने जैसे विकासवादी संबंधों के ट्रेसिंग के विभाग उपकरणों का उपयोग करके मानव विकास का अध्ययन किया गया है। सभी इंसान एक एकल प्रजाति हैं, जिन्हें होमो सेपियंस कहा जाता है। अब यह अनुसंधान द्वारा स्थापित किया गया है कि मानव प्रजातियों के सबसे शुरुआती सदस्य अफ्रीका से आए थे। इस वीडियो का सारांश यह है। अनुवांशिकता माता पिता से उनके वंश में लक्षणों का स्थानांतरण है। डार्विन के सिद्धांत। केवल सबसे अच्छा जीवित रहेगा। प्रजातिकरण के 3 मुख्य कारण, भौगोलिक अलगाव, आनुवांशिक बहाव और प्राकृतिक चयन के कारण व्यक्तियों में भिन्नताएं। जो भी हमने सीखा उसका प्रयोग विशेष मात्रा में फलों और सब्जियों को और अच्छा बनाने के लिए किया जा रहा है। धन्यवाद।